गुड मॉर्निंग फैम जैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 6 अप्रैल, सुबह हो चुकी है, हम लोग थोड़ा थोड़ा रेडी होके निकल चुके हैं। और ये गुड मॉर्निंग आज कहाँ से है? ऋषिकेश। तो यस, बस अचानक हमारा बना और हम लोग निकल गए। और अभी सुबह के हुए हैं 8:30 और अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश के जंगलों में। आपको दिखाती हूँ, नया रास्ता है कुछ डिफरेंट। ये देखिए, ये हमारी मॉर्निंग वॉक भी हो रही है एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट ना, जो हम पहली बार आए हैं इस रूट से। नहीं मालूम कि कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। ओम सूर्याय नमः। सूर्य देवता आज थोड़े लेट निकले हैं और निकल ही नहीं रहे हैं, इनफैक्ट थोड़ी घटा बादल है। अच्छा मौसम है, पानी की आवाज आ रही है दूर कहीं। ऋषिकेश वाले बीच पे जय गंगा मैया, हर हर गंगे। सुंदर, अति सुंदर सुबह का दृश्य और बहुत ज्यादा हो रही है ठंड। अरे वो तो रही वो वाली शिव जी की पिंडी जहाँ हम पहले गए ना। ओके, हम तो सेम वहीं आ गए। इतना खतरा खतरा क्यों लगाया हुआ है? ये खतरा वो कौन सा है? वो है राम झूला, है ना, जिससे हम आए थे। ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल। कितना विंडी है, कितनी हवा चल रही है बाली। किसी को तो ठंड लग रही है। ठंड लग रही है, पहन लो ना। मुझे नहीं लग रहा, मुझे अब ओके है। चल, बहुत अच्छा प्यारा मौसम हो रहा है। क्लीन वाटर, बंदा नहाने की तैयारी में। जा रही हूँ नहाने, ज्यादा अंदर मत जाना ठीक है, अपनी शान पट्टी में दिखाना। क्या ये इशारा क्या था? ये दिखाऊंगा या नहीं? हाँ बेटा, ज्यादा अंदर नहीं जाते, गहरा है यहाँ। क्या अपने जायदाद जमीन? मेरे नाम पर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ठंड तो है यार, जैकेट पहननी पड़ रही है। 6 अप्रैल को दिल्ली में गर्मी लगती थी, दिल्ली में गर्मी लगती थी ना। कर दी अपनी हरकतें चालू। कैसा लग रहा है? हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय गंगा मैया। बीच वाला फील है एकदम। मैंने तो जैकेट पहन लिया, बहुत ठंड लग रही है। बस यू आर डन? नहीं मैं अभी नहीं नहा रही, मैं तो वाटरफॉल में नहाऊंगी। हाँ गंगा नदी में भी नहाऊंगी, बट अभी नहीं, आज नहीं, मतलब बहुत ठंड हो रही है। आपको टॉवल दूँ? ओके। सुबह यहाँ कितनी शांति थी और अब यहाँ देखो। यहाँ पे एक वो भी है पापा कमली वाले, जो बोले थे ना कि 8 बजे खुलता है रूम्स के लिए, वो भी को पता करते हुए चलेंगे हम। फेमस पूरी सब्जी, कचौड़ी और स्वीट्स के लिए ये है गीता भवन का, नियर राम झूला ना, नियर राम झूला, गीता भवन स्वीट्स भंडार। सी द क्यू, इतनी लंबी लाइन में खड़े हैं।
चाय होगी भैया, एक कप कर दो अदरक वाली, अभी बनाई है ना। अच्छा बनाओगे, ठीक है, अदरक डाल देना अच्छे से। देसी घी की जलेबी ये अच्छी है, कचौड़ी मैंने टेस्ट करी है, पूरी आलू भी अच्छे हैं। आपका क्या रिव्यू है? अच्छा ना, देसी घी बहुत ही यम है सब कुछ। और मैं मिलती हूँ आपको खा के, क्योंकि मैं खाने में बहुत ही मशगूल हो गई थी, बताने में भूल गई थी कि मैंने स्टार्ट कर दिया। ये देखो जलेबी, मिलते हैं आपको खा के। ब्रेकफास्ट हो गया है, और बिकॉज हमने रात में इतने अच्छे से नींद नहीं ली थी, वोल्वो में इतने अच्छे से नींद आई नहीं थी इनको भी मुझे भी, तो एक अच्छे से नैप लेंगे और उसके बाद फिर आपको प्लान शेयर करेंगे कहाँ जाए। तो जी टाइम हो गया है 4, हम लोग हो गए हैं फुल ऑन रेडी वाटरफॉल पे जाने के लिए। वॉक करके जाएंगे सो दैट हमारी इवनिंग वॉक भी हो जाए और वाटरफॉल भी हो जाए। तो कपड़े वपड़े ले लिए हैं, बंदा खड़ा है और बंदा ये खड़ा है झोला टांग के, चला जाए। ताला चाबी ले ली घर की। ये हम जा रहे हैं एक खुफिया सड़क से जहाँ दो खुफिया कुत्ते हैं। बेटा ये तो वैसे लग रहे हैं मुझे कुत्ते पालतू टाइप्स, झुकना पड़ेगा। ओ ये तो भागता है। What do you mean? किसने इच्छा जताई आज गोलगप्पे खाने की? Let's taste it. बहुत ज्यादा ही भीड़ है। राम झूला मार्केट, हम जा रहे हैं तपोवन ना ऑटो से नियर वॉटरफॉल के लिए राम झूला से, तो दिस इज द शॉर्टकट। तो जी नीर वॉटरफॉल के लिए चल रही है चढ़ाई, अभी 1 किलोमीटर और है, मुड़ चुके हैं अभी शायद। यहाँ से टिकट हमें लेना होगा, बज गए 5:15, 6 बजे तक आई थिंक खुला रहता है, तो लेट्स सी हम कितना एंजॉय कर पाते हैं। हाँ जी, तो हम लगभग नीर वाटरफॉल पहुंच चुके हैं वॉक करके पैदल, हमारे नाक के चक्षु खुल चुके हैं। हमें लगा 1-1 किलोमीटर कर करके कि पास में है, बट इतना भी पास में नहीं है। तो पैदल आने से पहले 2 पॉइंट्स हैं, एक तो अगर आप वॉक करके आ रहे हैं देन आपको टाइम लगेगा और आप
थोड़ा जल्दी निकलिए अगर आप शाम को प्लान कर रहे हैं, बिकॉज फिर अंधेरा होना शुरू हो जाएगा एंड रास्ता इज नॉट दैट हैपनिंग और चलता हुआ नहीं है, थोड़ा सुनसान है, तो इस वजह से हम लोग खुद जल्दी निकलेंगे। नंबर टू, जो रामझूला से जो ऑटो चलते हैं तपोवन तक, वो तपोवन में बहुत पहले ही छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर आपको या तो आप स्कूटी हायर कर लो फुल डे के लिए तो तब आप यहाँ आओ, या फिर आप पर्सनल ऑटो या पैदल आना चाहते हो तो सुबह आता। हाँ, अगर आप वॉक करके आना चाहते हो तो फिर आप में उतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतना भी पास में नहीं है, लोग बोलेंगे 1 किलोमीटर है 2 किलोमीटर है, बट इट्स नॉट दैट नियर बाय, अच्छा खासा आपको चलना पड़ेगा और चढ़ाई वाला। तो अभी मैं यहाँ से वाटरफॉल देख पा रही हूँ, तो अभी देखते हैं, अभी आई थिंक यहाँ से भी थोड़ा मैं ऊपर जाना पड़ेगा, लोग जा रहे हैं तो देखते हैं, अभी हम लोग भी थोड़ा जल्दी करके मतलब 6:30 तक मैक्सिमम हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे एंड देन फिर आई थिंक हमें उतरते हुए उतना टाइम लगेगा भी नहीं, भागते हुए चले जाएंगे, बट हैट्स ऑफ टू अस। दिखाती हूँ आपको, तो जी ऐसा दिखता है, आई थिंक पानी यहाँ से भी आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा रनिंग वाटर है, स्कूटियाँ काफ़ी हैं पार्किंग में, कुछ स्टॉल्स भी हैं, लोग अभी भी आ रहे हैं बट उनके पास स्कूटी है, हमें पैदल जाना है, तो लेट्स सी हम जाते टाइम क्या करेंगे, बट हाँ अभी पहुँच गए हैं, इसका सुकून है। थोड़ा ऊपर और होता तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं वापस जा रही हूँ, बिकॉज इट्स नॉट सेफ, यहाँ से भी ऐसे पानी आ रहा है और खूब आवाज़ आ रही है पानी की, जीन्स पूरी नीचे से गंदी हो गई है। ये है जी जो नीचे पड़ रहा है एंड ये है, हम लोग अभी जाएंगे वहाँ ऊपर, और ये है आपका पैदल का रास्ता जहाँ पे लोग जा रहे हैं। यू कैन सी कितना साफ पानी है, क्रिस्टल वाटर। चलते हैं बिना किसी देरी करे, बिकॉज फिर लेट हो जाएंगे, चलते हैं ऊपर। सिरे का रास्ता है ये, तो जी नहा लिए हैं ढंग से, तसल्ली से, 6:39 हो गए हैं और बहुत ही ठंड में कप कपा रहे हैं। 6:30 तक आप यहाँ एंट्री कर सकते हो, एग्जिट आपकी मर्जी है। वाओ, और अभी हम खाएंगे मैगी और चाय पहली बार ऐसे पॉइंट पे, नहीं तो हम प्रिफर नहीं करते हैं, है ना। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है मुझे तो, मैं तो कप कपा रही हूँ। मैं जैकेट पहन रखी है और हम सिर्फ टी शर्ट में, ठंडो नहा के लग गई ठंड, टॉवल ओढ़ लेंगे, ये क्या कर लिया, ठंड लग रही है ये तो गीला है, इसमें और ठंड लगेगी आपको। चलो ठीक है, देखते हैं, जैकेट लानी चाहिए थी हमें सुबह, जैसे कप कप आके ठंड में मरे ना हम। चलो अभी चाय पीते हैं तो शायद कुछ अच्छा लगे, और फिर भागते हैं, है ना। दौड़ लगा देंगे। तो जी हम यहाँ से निकल गए हैं और हुआ है 6:52, और अभी देखते हैं हम लोग नीचे कितने बजे तक पहुँचते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़तेंगे बिकॉज हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, एंड अगेन वी आर वॉक करके जाएंगे, तो स्कूटी नहीं है तो देखते हैं, वैसे तो होपफुली हम लोग जल्दी ही कवर कर लेंगे बिकॉज चढ़ाई के टाइम पे ज्यादा टाइम लगता है, अभी उतरते हुए देखते हैं क्विकली पहुंचते हैं। तो जी अब हुए हैं 7:10, 6:52 पे मैंने आपको बताया था हम चले थे, और हम आ गए हैं अब प्लेन रोड पे जहाँ से झरने की चढ़ाई शुरू होती है, वो होती है यहीं पे दी एंड, थैंकफुली हमने कवर कर लिया, ये रोड जा रही है यहाँ से वॉटरफॉल की तरफ और हम लोग आए थे इधर से,
तो ये रोड से हम लोग आए थे और ये यहाँ पे रास्ता है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है ये वाला जो आप देख सकते हैं, मेरी उंगली कहाँ जा रही है, नीर फॉल। हाँ, ये लगा हुआ है नीर फॉल करके। तो थैंकफुली हम लोग फिर भी टाइम से यहाँ पहुँच गए और बस अब हम जाते हैं, देखते हैं कुछ खाएंगे पिएंगे दिखाएंगे आपको। रश बहुत रश है, जल्दी चलते हैं।